सुप्रभातम बच्चों, मैंने आपको पाठ 10 संख्या करा दिया है। ठीक है, आज हम उसके अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में प्रश्न 1 और 2 करेंगे। ठीक है ना, शब्दार्थ भी आपने कर लिए होंगे। इसमें देखिए, अभ्यास कार्य में प्रश्न 1 में उचितेन अंकरेन उभयपदम संयोजयतु। ठीक है, उचित अंक को देखकर इसको मिलाना है, आपको मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे डिजिट दी हुई है आपको 3, 5, 2, 10, और यहाँ पे संस्कृत में दी हुई है 10, 2, 3 और 5। ठीक है, आपको मिलाना है 3 को 3, 5 को 5, 2 को 2, 10 को 10। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे 4 है चतवारी, यहाँ पे 8, 8, 16, 16 और 7, 7। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न 2 में चित्रम दृष्ट्वा केवलम संख्या पदम लिखतु। चित्र को देखकर आपको इसको गिनकर इसमें आपको इसमें संख्या लिखनी है, कितनी है। ठीक है, वो भी संस्कृत में लिखनी है आपको। देखिए इसमें कितने पेड़ दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पे क्या आएगा, एकादश। ठीक है, उसके बाद है देखो घोड़े दिए हुए हैं यहाँ पे, घोड़े कितने हैं गिनो इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पे आएगा चतुर्दश। ठीक है, उसके बाद देखियो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बना हुआ है यहाँ पे अशोक चक्र बने हैं। ठीक है, इसको काउंट करो अब आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, ये 16 बने हैं, तो 16 को संस्कृत में बोलेंगे षोडश। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोल, बोल को काउंट करो कितनी है ये, अब आप खुद काउंट करोगे। ठीक है ना, ये है विशंती, ये कितनी है 20, इसमें लिखेंगे विशंती। ठीक है बच्चों, ये अभ्यास कार्य आपको अपनी बुक में ही करना है।